टाइगर जयराम महतो की पार्टी JBKSS द्वारा आज स्वाभिमान यात्रा का आयोजन जमशेदपुर के बारीडी से लेकर एग्रीको मैदान तक किया गया, जहां पहुंचकर रैली जनसभा में तब्दील हो गई। महिला मोर्चा की सचिव बेबी महतो का कहना है कि यह यात्रा पूरे देश भर में निकाली जाएगी जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। बाहर प्रदेशों से आए लोगों को प्राथमिकता देकर नौकरी दी जाती है और हमारे वर्ग और जाति के लोग आज़ादी के 75 साल बाद भी बेरोजगारी की दशा में हैं। झारखंड खनिज संपदा में पूरे देश में 35% हिस्सा है और यहाँ के लोगों का हाल देखिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट की बात पूछने पर बेबी महतो ने कहा कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आज हमारा स्वाभिमान यात्रा है, तो ये स्वाभिमान यात्रा का उद्देश्य ये जैसे हमारा झारखंड अलग होकर 24 वर्ष पूर्व हो चुका है। 24 वर्ष में हम लोगों ने जितना पढ़ा है, जितना गूगल वगैरह में देखा है कि हमारे जो झारखंड प्रदेश है ये हमारे पूरे भारत वर्ष को अकेले 40% खनिज संपदा देने का काम करती है। और इतने ही नहीं, खनिज संपदा देने का काम करती है, यानी कि 40% 28 भारत वर्ष में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एकमात्र झारखंड राज्य हमारा जो ऐसे है जो कि अकेले पूरा भारत वर्ष का 40% अर्थव्यवस्था को चलाती है। लेकिन फिर भी हमारे झारखंड को कभी सम्मान नहीं मिला है सर, जो मिलना चाहिए हमारे झारखंड को, पहचान जो मिलना चाहिए वो पहचान कभी नहीं मिला है। और जो हमारे झारखंडियों को जो कहीं अदर स्टेट जाने से पहचान मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है। और हमारा झारखंड में ऐसे जैसे गवर्नमेंट जॉब को लेकर जानते हैं हम लोग बहुत सारा आंदोलन करते हैं गवर्नमेंट जॉब से लेकर के। इतना ही नहीं, जैसे कंपनी, इतनी सारी कंपनियां लगभग छोटी बड़ी मिला करके 10,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं हमारे झारखंड में। तो इतने सारी कंपनियों में कंपनियों का प्रावधान होता है कि 75% लोगों को वहां का स्थानीय लोगों को लेना चाहिए, आदिवासी मूलवासी को जो स्थानीय है उन लोगों को लेना चाहिए। लेकिन आप यहां का जो कंपनी का कोई उन लोग का जैसे कि कोई क्या कहते हैं सर उनका कोई नियोजन नीति का जो कोई भी उन लोग का जैसे कि दिखा कराइएगा कि आपका कितना प्रतिशत लोग यहाँ कहाँ के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं दिखा पाएंगे। उसका पूरा उल्टा है, जैसे 75% हमारे झारखंडी का होना चाहिए, उस क्षेत्र के लोगों का होना चाहिए, वैसा नहीं है सर। 75% आपको ज़्यादातर कंपनियों में आपको 75% आपको दूसरा राज्य के लोगों को मिलेगा वहाँ देखिएगा, और मात्र 25% ही झारखंडी लोग दिखेंगे आपको। तो हम झारखंडियों ने, हमारे झारखंड ने दूसरे राज्य के लोगों को अपना अधिकार तक दे दिया है सर, पाल रहा है, पोस रहा है, हालांकि ये परिवार पाल रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे झारखंड में वो लोग अपना स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। अपना क्या मतलब, दूसरा राज्य का। तो दूसरा जहाँ पे स्वाभिमान यात्रा कहाँ निकाला जाता है, जिस जगह पे आप रह रहे हो, जहाँ का आप खा रहे हो, जहाँ आप कमा रहे हो, तो आप उस क्षेत्र का स्वाभिमान यात्रा निकालिए। आपको हम लोगों ने रोका नहीं है स्वाभिमान यात्रा निकालने के लिए, रोका ये हम लोग ये रोका है हम लोगों ने कि वो स्वाभिमान यात्रा जो था आप उन राज्यों में, जो राज्य का नाम जुड़ा हुआ था उस राज्य में जाके आप निकालिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप हमारे झारखंड में निकाल रहे हैं, हमारा झारखंड का खा रहे हैं, हमारा झारखंड में कमा रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं या कमाने खाने आए हैं, तब उस तरह से रहिए। आज उन लोग को अगर इतना ही उन लोग को झारखंड का स्वाभिमान था तो आज हम लोग का स्वाभिमान यात्रा में वो लोग शामिल हो सकते थे, क्यों नहीं हुए? यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ कमा रहे, लेकिन यहाँ होना चाहिए था हम लोगों को। इसलिए अपना स्वाभिमान बचाना है सर। और एक बात सबको मालूम है, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, गूगल में देखा है कि लगभग 3 मिलियन वर्ष पूर्व जो जब समुद्र से पृथ्वी प्रथम बार बाहर आई थी, तो सबसे पहले पृथ्वी माता का जो यही धरती झारखंड का जो इस कोल्हान का सारंडा जंगल है, यही धरती सबसे पहले पृथ्वी से बाहर आई, पृथ्वी का सबसे पहले यही क्षेत्र समुद्र से बाहर आई थी। तो हमें तो गर्व है कि हम लोग झारखंडी हैं, तो हम लोग को हर जगह सम्मान मिलना चाहिए और हम लोग को अपना स्वाभिमान बचाना है। इसीलिए हम लोग का ये उद्देश्य है, और जो हम झारखंडी हैं हम लोग
खुद मजदूरी कर रहे हैं सर। ज़्यादातर लोग झारखंड के आपको गरीबी स्थिति में मिलेंगे और मजदूर मिलेंगे, और दूसरे राज्य के लोग आप साधारण बिष्टुपुर जाके देखिए सर, बिष्टुपुर में जितना क्वार्टर है लगभग 95% क्वार्टर आपको दूसरे राज्य के लोगों का मिलेगा। क्या हमारे झारखंड में बीटेक एमटेक वाले स्टूडेंट नहीं है? क्या हमारे झारखंड में बीबी एमबीए वाले स्टूडेंट नहीं है? क्या हमारे झारखंड में आईटी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट नहीं है? क्या हमारे झारखंड के लोग कंपनी में जॉब नहीं कर सकते थे? क्या हमारे झारखंड के लोगों को वो कंपनी का क्वार्टर नहीं मिल सकता था? एक जमाने में वो बिष्टुपुर बिष्टुपद महतो का था, एक झारखंडी का था, तो फिर आज उस झारखंडी में बाहर के लोग कैसे बसिंदा हो गए हैं सर? सारा क्वार्टर बाहर के लोगों का कैसे है? हमारा हम झारखंडी कहाँ जाएंगे? और वही लोग यहाँ पर आके दूसरे राज्य के नाम का स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। ये यहाँ झारखंड में रहेंगे, यहाँ का नमक खाएंगे, तो यहाँ का स्वाभिमान यात्रा निकालना चाहिए, अन्यथा उन लोग को यहाँ से हम लोग निकालने में भी देर नहीं लगाएंगे सर। सर जयराम भैया नहीं आने का कारण यह है, अभी चुनाव पहुंच रहा है, अभी जो विधानसभा चुनाव है, हम लोगों ने कई सारे आंदोलन किए सर, बहुत सारे कई सारे आंदोलन में हम लोगों को तरह तरह के धारा लगाए गए, मनमर्जी धारा लगाए गए सर। हम लोग का काम, हम लोग का बात किसी ने नहीं सुना सर, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार, किसी ने हमारा बात नहीं सुना, तो हम लोग मजबूर हो गए हैं अपना राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए। और जब राजनीतिक पार्टी बना तो हम लोग चाहते हैं कि जिस कलम में सरकार नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, सारी नीतियाँ बनाते हैं, जिस कलम में लिखते हैं, जिस कुर्सी में बैठ के जिस कलम में लिखते हैं, उस कुर्सी तक हम लोग पहुँचने का काम करेंगे। तो इसीलिए अभी हम लोग इतना सारा जगह विधानसभा से चुनाव लड़ना है, तो सब अगर एक जगह आ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। टाइगर भैया नहीं आए तो क्या हुआ? यहाँ कोई टाइगर से कम है क्या? कोई टाइगर से कम है क्या? कोई नहीं है, क्योंकि सब में अभी जागरूक है। तो ये सोच लीजिए कि अगर जयराम भैया नहीं आए तो यहाँ इतने भीड़ है, सब जागरूक हो चुके हैं, अगर वो आते तो यहाँ का माहौल क्या होता।